खत्म हो गया। राधा कांत नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य धीरा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जीरो राम राम हरे हरे जीरो इसमें ताकत नहीं खत्म किताब से कौन सी हो गया कौन सी किताब मेरे गुरु जी की किताब ले ये क्या हो रहा है खट्टा खट्टा नहीं मेरे देखो वहां पर गुरु जी का मेरी किताब छोटी किताब ले आ जल्दी ले आ हरे कृष्ण अब आज आ रहे हैं सबके पास सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला पर विष्णु पाद क्रोधर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्रीमद भक्ति श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण अभी एक दिन पहले मेरे गुरु जी की जन्मतिथि गया है। हर वैष्णव लोग अंतिम समय में कुछ ना कुछ उपदेश जीवन में जो अनुभूति करते हैं वो कुछ ना कुछ अपना अनुभूति की बात को बता करके जाते हैं। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म भी भविष्य में हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए हमें भजन पथ में कैसे चलनी चाहिए क्योंकि जगत में भजन पथ में चलना ही सबसे कठिन है। दूसरा रास्ता तो चारों तरफ में खुला खुला हुआ है। इसलिए वेद कहता है भक्ति मार्ग यह कोटि कंटा करुधा जो भक्ति का मार्ग है वो करोड़ों कांटा जुटता है। जैसे ब्लेड का धार होता है ना खुरस धारा निश्चित दुरतया दुर्गम पतस्तत कवे और बदंती कभी लोग कहते हैं जो ये भक्ति का मार्ग है जैसे ब्लेड का धार के ऊपर चलना है ना उसी तरह ये भक्ति मार्ग में भी चलना है, है? अब देखो जगत में कोई उल्टा पुल्टा काम करो दुनिया कुछ बोलेगा तुम्हें शराब पियो गंजा फूको लड़की को पीछे भागो इधर कोई कुछ बोलेगा नहीं लेकिन थोड़ी सी तुम भक्ति करना शुरू कर दो गले में कंठी तिलक वाली कौन सा बीमारी है मांस मांस से दुनिया मांस मछली खाते तुम नहीं खाओगे और प्याज लहसुन कथा सुनते तो सब फेट हो जाते बोले प्याज लहसुन नहीं खाओगे भैया कौन सा धर्म जो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे अगर चाय की बात बोल तो वही पर तो गिर जाएगी बोले चाय भी नहीं पीना पर पीना क्या दुनिया में तुम लोग चाय के लिए भी मना कर देते हो है इसलिए जो भक्ति मार्ग है वो बड़ी खट्टा युक्त मार्ग है। इसलिए फिर ये भक्ति मार्ग में हम कैसे चलेंगे इसलिए श्री गुरुपाद पद्मा अंतिम समय में कुछ उन्होंने उपदेश दे कर गए हम कोशिश करेंगे इनकी दो चार उपदेशों को सुनने के लिए ठीक है। कहते इनका जो पहला नंबर उपदेश है बोले सदगुरु पदाश्रय लाभ बद्ध जीवर पक्षे एक महाभाग्य एवं महासमस्या विषय कहते किंतु भगवान जीवर प्रकृत सदगुरु लाभर निष्कपट आकांक्षा और आरती थाकिले कृष्ण कृपाए तहा लभ्य ये गुरु जी का पहला नंबर। इसका मतलब क्या है कहते जगत में जो सदगुरु है क्योंकि जो ये सनातन धर्म है ना ये इसका जो मूल जो रीढ़ है ये गुरु है। जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ा हुआ हो लेकिन उसका नींव अगर अच्छा नहीं होना आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़े कर नहीं सकते हो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में मूल वो गुरु है ये गुरु धर्म है, हैं? इसलिए बोले ध्यान मूलम गुरु पदम ध्यान में मूल किया बोले गुरु जी के चरण है, हैं? इसलिए मोक्ष पदम गुरु कृपा जीवन में भगवत प्राप्ति कैसे होगा बोले गुरु की कृपा से ही होगा,
हैं, इसलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्य। बोले जो गुरु जी का जो वाक्य है, मंत्र का जो मूल है गुरु जी की ये वाक्य है। इसलिए जो हमारी जो पहला जो निष्ठा है श्री गुरु जी की चरण में, हमारी सबसे पहले निष्ठा होनी चाहिए। बोले गुरु पाद पद में जार रहे भक्ति निष्ठा, जिसको गुरु जी की चरण में जितना निष्ठा भक्ति है, वो उतना ही जगत में, भक्ति जगत में उतना उज्जला हो सकता है। इसलिए बोले श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमन। भक्ति का जो मूल है वो गुरु जी का चरण कमल है, गुरु जी की चरण कमल है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले ऐसे जो सदगुरु है, गुरु तो बहुत है, गुरु बहुत है। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते बोले पार्वती गुरु बह बह वसंती शिष्य पित बहरगा दुर्लभ सदगुरु देवी सत्य चिंता भारत। बोले पार्वती जगत में सदगुरु मिलना बड़ा कठिन है, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सदगुरु मिलता है, जो हमें ठाकुर तक हमें जो पहुंचा दे, भगवान के तक जो पहुंचा दे। इसलिए बीता हरण करने वाले जगत में तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में हमारे दुख को हरण करने वाले गुरु बहुत बहुत ही कम है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं जीवन में सतगुरु जो लाभ है, जो बद्ध जीव का पक्ष में बड़ी सौभाग्य विषय है। इसलिए जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई सौभाग्य नहीं हो, कहते हैं तभी जीवन में सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए श्री महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को कहते हैं, कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते हम भगवान से अनादि काल से भगवान से बिछड़े हुए और हम 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं, 84 लाख जीवन में भटक रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ही जीवन में सदगुरु की प्राप्ति होता है। बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को है, जिनको पूर्व पूर्व जन्म में बहुत सारे भक्ति युक्त संस्कार हो, उससे ही जीवन में ये सदगुरु प्राप्त होता है। लेकिन ये सदगुरु मिलेगा कैसे, ये मिलेगा ही सदगुरु? कहते जब तक निष्कपट रूप में हम ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना नहीं करते, ठाकुर जी हमें आप सही सही जगह पर पहुंचा दो, तब तक सदगुरु जीवन में नहीं मिलती, सदगुरु नहीं मिलती है। इसलिए आप लोगों ने काल नेमी का नाम सुने हो, कौन कौन काल नेमी का नाम जानते हो? ये जो काल नेमी है ना, ये कौन था जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति से लिखा? सुसेन वैद्य बताए राता रात विशलकरणी दवा लेकर कोई आए। हनुमान जी जब जा रहा था, रावण को पता चला, उसने क्या किया, उसने किसको भेज दिया? बोले काल नेमी को भेज दिया। बोले जाओ किसी तरह से एक रात उसको रोक दो, बस लक्ष्मण का राम नाम सत्य हो जाएगा। हैं, इतने में उसने क्या किया, काल नेम ने साधु का रूप धारण किया और बीच में साधु बन करके बैठ गया। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। हनुमान जी ने सोचा भैया कोई गुरु भाई आ गया, मेरे ये गुरु भाई बीच में कौन आए? लेकिन बाद में क्या पता चला गुरु भाई नहीं, वो काल नेमी था। वो कौन था? वो काल नेमी था, राक्षस निकला। यहाँ शिक्षा देते हैं ये हनुमान भी सदगुरु चुनने में, साधु चिन्ह पहचानने में हनुमान भी भ्रमित हो गए। हनुमान जी कौन है? ये स्वयं शंकर जी, स्वयं ये शंकर जी राम की परम भक्त श्री हनुमत लाल जी। वो भी जगत में शिक्षा देते भैया साधुओं को पहचानना बड़ा कठिन है, कलयुग विशेष करके ये कलयुग में साधु पहचानना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जीवन में करोड़ों करोड़ों जन्मों का अगर जब तक सुकृत नहीं हो, जब तक हम निष्कपट रूप में ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना नहीं कर, ठाकुर जी हमें सदगुरु पहुंचा दो, तभी जीवन में सदगुरु नहीं मिलता है। जब तक निष्कपट आरती नहीं करोगे, जैसे ध्रुव जी ने जब उन्होंने तपस्या की, तपस्या भगवान का आसन ही ले गया, स्वयं नारायण नारद जी को भेजते, बोले नारद जी जाओ जाकर के दीक्षा मंत्र ध्रुव जी को, दीक्षा मंत्र दे करके आओ ध्रुव जी को, दीक्षा मंत्र पहले ठोक पीट करके परीक्षा करना, परीक्षा करके तभी तुम उनको मंत्र दे करके तभी तुम आना।
पहले परीक्षा करके करना है। इसलिए स्वयं नारायण नारद जी को भेजे और श्री इनको द्वारा प्रेरित होकर कौन आया, श्री नारद जी और श्री ध्रुव जी को उन्होंने मंत्र प्रदान किया। ध्रुव जी को उन्होंने मंत्र प्रदान, और मंत्र प्रदान किया तो क्या होगा, सीधा वो 6 महीना में क्या किया भगवान को, 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर दिया। इसलिए मेरे गुरु जी कहते हैं जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होना, इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। यहाँ पर कह रहे हैं भैया गुरु कृष्ण कृपा में पाई भक्ति लता भी, गुरु देवता हमारी हृदय में हमारे कानों में गुरुदेव ने मंत्र दिया, फिर ये भगवान ने क्या किया, फिर ये कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, कारण है क्या, बोले कारण है जो अंतर्यामी गुरु रूप में कृष्ण स्वयं बैठे। जब तक कृष्ण व्यवस्था नहीं कर देते हैं, ये कृष्ण ही व्यवस्था करते हैं हमें सदगुरु को पास में पहुंचाना, कौन व्यवस्था करता है, ये कृष्ण ही व्यवस्था करते हैं। अगर कृष्ण अगर हमारे पास में सदगुरु नहीं भेजे ना, हम स्वयं सदगुरु को पहचान नहीं पाएंगे। हम तो आंखों में देखेंगे अरे इतने लोग कथा में आते हैं, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े और इतने बड़े साधु, हम तो ऊपर का रूप देखेंगे ना, उनकी अंदर बात तो हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी अंदर की बात कौन समझेगा, ये कौन समझेगा, समझेगा स्वयं कृष्ण समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होना, चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं हो, तब तक हम सतगुरु को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि ये वैष्णव परंपरा में महाप्रभु की धारा में जो आए हैं ना, हम लोग का बहुत जन्म की हमारी सुकृति अर्जित है, तभी हम इसी शुद्ध परंपरा में हम आए हैं। इसलिए मेरे गुरु जी का ये पहला नंबर उपदेश, बोले क्यों, बोले भक्ति जगत में जो मूल है गुरु, भक्ति जगत में क्योंकि जो गुरु कहेगा हम तो वही करते हैं ना, गुरु जो कहेंगे, अगर गुरु स्वयं भ्रष्ट हो, गुरु स्वयं शुद्ध मार्ग में नहीं हो, फिर वो जो बोलेगा तो शिष्य वही करेगा ना, शिष्य तो वही करेगा गुरु जो बोलेगा, और गुरु ही जड़ से ही खराब है, वो वैष्णव नहीं भक्ति नहीं करता है, फिर तो गुरु गलत रास्ता दिखाया, फिर हम श्री गलत रास्ता पर जाएंगे। इसलिए सब सर्वप्रथम, इसलिए 64 भक्ति अंग में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं आदो गुरु पदासय, भक्ति जगत में चलने के लिए सबसे पहले क्या करो, पहले गुरु जी का चरण को आश्रय ग्रहण करो, सबसे पहले गुरु पदाश्रय, उसको बाद में फिर धीरे धीरे भक्ति में हम चल सकते हैं। इसलिए मेरे गुरु जी का ये पहला उपदेश है। दूसरा उपदेश क्या है, कहते जो बद्ध जीव है ये अत्यंत लघु है, ताहर पक्षे गुरु रो गुरु तो उपलब्धि करा असंभव। कहते जो बद्ध जीव है, जो हम लोग बद्ध जीव आगे आ जाओ, कहते हम लोग जो बद्ध जीव आगे आ जाओ, हम लोग बद्ध जीव है, बद्ध जीव होने का नाते हमारा जो बुद्धि है ना बहुत कम है, हमारा बुद्धि बहुत कम है, लेकिन गुरु मतलब क्या होता है, बोले गुरु मतलब होता है भोजन, गुरु मतलब होता है क्या है, भोजन है, गुरु मतलब होता है भोजन, अतएव गुरु बड़े हैं, गुरु बड़े हैं और जो जीव बहुत छोटे हैं। इसलिए जो बद्ध जीव है अपना बुद्धि से गुरु को कभी पहचान नहीं सकता, इसलिए जब भगवान की कृपा नहीं हो तब तक ये जीव गुरु को कभी पहचान नहीं पाएगा, कभी कभी बल्कि उल्टा हो जाता है, जो गुरु जी है ना इधर आ जाओ सामने आ जाओ उधर तुम आ जाओ, इसलिए जो जीव है, है? कहते जो जीव है वो अपना बुद्धि से गुरु को पहचान नहीं सकता है, क्योंकि जीव अत्यंत छोटा है और गुरु बहुत बड़े हैं। इसलिए गुरु जी कौन होते हैं, बोले भैया गुरु जी कोई साधारण जीव नहीं होते हैं, गुरु जी कोई साधारण जीव नहीं है, जो गुरु जी होते हैं वो किसको द्वारा प्रेरित होकर के आते हैं, बोले कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी को द्वारा ये प्रेरित होकर के गुरुदेव आते हैं इस जगत में है। इसलिए जैसे श्री प्रभुपाद जी है, श्री प्रभुपाद जी इनको राधा रानी स्वयं आदेश देती, बोले नयन मणि मंजरी जाओ, ये जगत का जीवों को दुर्दशा को देखो, कैसे जीव संसार में भटक रहे हैं, दुखी दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम जाओ, जा करके क्या करो, इनको
भक्ति मंत्र का उपदेश दो और उनको क्या करो वहां से उठा करके ले आओ। इसलिए ये राधा रानी को द्वारा ये प्रेरित होकर के जगत में, राधा रानी को द्वारा प्रेरित होकर के आए हैं। इसलिए गुरु महान है। इसलिए विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं ना, बोले संसार दाबा नळली ढलो त्राणाय कारुण्या घना घना प्राप्त कल्याण पुनर्नवास वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसलिए बोले गुरुदेव कौन है, बोले कृष्ण की राधा रानी की जो कृपा शक्ति है, राधा रानी की जो कृपा शक्ति वही ये गुरु रूप में धारण करके राधा रानी महाप्रभु को द्वारा प्रेरित होकर किसी जगत में आते हैं। इसलिए जो गुरु वस्तु है वो महान है, गुरु वस्तु महान है। इसलिए गुरु का जो गुरुत्व जीव नहीं समझ सकता, जीव की पक्षे में समझ उसकी ताकत है नहीं, गुरु जी की गुरुत्व को जीव समझ सके। क्यों? जीव छोटा और गुरु जी बहुत बड़े हैं। इसलिए फिर हमें सही गुरु जी को पास में कौन ले जाएगा। देखो एक संत थे जिनका नाम था श्री बंसी बदन दास बाबा जी महाराज। बंसी बदन वो पागल जैसे रहते थे, बड़ी बड़ी जटाएं। किसने उनका रूप देखे हो? कोई देखा? कोई नहीं देखा। उनका फोटो में देखना, बड़े बड़े केस है, जटा जूट है, पागल जैसे बैठे हुए होते, बट पागल है। उनका दुनिया में लोग उनको पागल समझते थे। हाँ, पागल समझते थे। अरे सचमुच से प्रभु जी आ जाओ। इसलिए सचमुच से जो साधु का, जो आप लोगों ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का फोटो देखे होंगे, वो पागल जैसे बैठे थे, देखोगे तो पागल समझेगा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का फोटो देखोगे वो पागल जैसे लगेंगे, है वो पागल जैसे दिखेंगे। इनको पहचानना बड़ा कठिन है, लेकिन इनको कौन पहचाना है? कहते गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को किसने पहचाना? प्रभुपाद ने पहचाना। प्रभुपाद ने उनको पहचाने। श्री बंसी बजन दास बाबा जी महाराज को कौन पहचाने? प्रभुपाद पहचाने। हैं? इनको सब नहीं पहचाने पाए, इनको तो सब लोग पागल समझते थे। लेकिन जब प्रभुपाद ने उनको देखा, प्रभुपाद उनको देख करके समझ गए, भैया ये तो महाभागवत है। इनका ऐसे जब वो स्नान करने के लिए जाते थे ना, साथ में गौर नित्यानंद प्रभु विग्रह होता था, वो गौर नित्यानंद प्रभु विग्रह को लेकर के पानी में छोड़ देते थे। बोले तुम दोनों भैया स्नान करो और मैं जब स्नान कर लूंगा ना, तुम दोनों भैया को ले जाऊंगा, और उनको पानी में छोड़ देते थे। और वो बोलते थे ये निताई तो ठीक ठाक है, लेकिन ये जो गौर है ना, ये बड़ा दुष्ट है। कहते जो निताई है, ये निताई ये ठीक ठाक, लेकिन ये जो गौर है ना, ये बड़ा नटखट है, निताई ठीक। बोले क्यों? नित्यानंद प्रभु कौन? गुरु तत्व है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व, वो बड़े दयालु है, ये बड़े दयालु नित्यानंद प्रभु, जो मार खा करके भी प्रेम दिया है, हैं? भले ही उनको मार दिया, बोले भैया भले ही तुमने मार दिए, लेकिन एक बार क्या करो, एक बार मेरे प्रभु का श्री सचिनंदन गौर हरि का एक बार नाम ले लो। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि, एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो, बस तुम्हारा उद्धार कर देंगे, हैं? इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, बोले जथेष्ट वरे भ्रात गुरु हरि हरि धुनाम लिसनम। भैया कोई चिंता मत करो, खूब भगवान का नाम लो। क्या करो? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब ठाकुर का नाम लो, कोई चिंता मत करो। ये संसार से भव आपके संसार समुद्र से मैं आसानी से तुमको पार कर दूंगा, कोई चिंता मत करो। उसका दायित्व मेरे ऊपर में, उसका दायित्व मेरे ऊपर में, तुमको केवल एक ही काम क्या करो, ठाकुर का नाम ग्रहण करो और संसार से मैं तुम्हें पार कर दूंगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु। इसलिए महाप्रभु बोले ना, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमर आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हैया तारे देश। महाप्रभु किसको भेजा? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, जाओ दरवाजा दरवाजा में भिक्षा मांगो, अपना झोली फैला करके भिक्षा मांगो। बोले क्या भिक्षा मांगोगे? बोले रुपया पैसा नहीं, चावल दाल नहीं, हैं? बोले तीन चीजें भिक्षा मांगे ना। बोले बोलो कृष्ण,
भजा कृष्णा करा कृष्ण सिखा। तीन चीज लिखा मन, बोलना तो क्या मुंह से बोलना, केवल भगवान की नाम बोलना। अगर भजन करना तो किसको भजन करना, कृष्ण को ही भजन करना। अगर जीवन में कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, किस चीज की शिक्षा प्राप्त करना, केवल कृष्ण भक्ति ही शिक्षा। यही तीन चीज तुम लोग भिक्षा मांगना है, यही तीन चीज को। बोले नित्यानंद प्रभु को क्यों भेजे, कारण क्या, उनके पास में तो बहुत सारे भक्त लोग थे, ये नित्यानंद प्रभु को उन्होंने क्यों भेजे। बोले नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु है, ये बड़े दयालु, इसलिए कहते हैं ना, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन ए मन दयाल तो नहीं है, मार के ये प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन। इसलिए कहते हैं लोचन दास ठाकुर कहते हैं, बोले नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम को लेकर मेरा मन नाच उठे। बोले क्यों, बोले ऐसे दयाल देखा कभी, भगवान राम आए तो पूरा लंका समेत खत्म कर दिया, कृष्ण आए तो सारे को सारे नष्ट कर दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, मार खा करके भी वो प्रेम दिया है, मार खा करके बोले भैया कोई बात नहीं एक बार भगवान। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु, इसलिए वो कहते थे नित्याय तो अच्छा है, लेकिन ये जो गौर है ना बड़े नटखट है, ये गौर मतलब महाप्रभु बड़े नटखट है, मतलब है जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा ना, महाप्रभु डायरेक्ट किसको ऊपर में कृपा नहीं करते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बार महाप्रभु के पास में आए, लेकिन महाप्रभु पास में रखे नहीं, महाप्रभु के पास में आए लेकिन वहां से फिर उनको पिता माता उनको निकाल करके ले गए। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गया ना, उनको दंड दिया, बोले तेरे को दंड दूंगा। बोले क्या दंड है, देखो भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है, भक्ति जगत में हर चीज मिठाई है, भक्ति जगत में कोई चीज निरस नहीं, हर चीज है मिठाई मिठाई। बोले दंड क्या है, बोले भक्तों को बढ़िया उत्सव खिलाओ, चकाचक रोज भक्तों को प्रसाद खिलाओ, है बढ़िया प्रसाद खिलाओ, ये भक्ति जगत में दंड है। यहाँ इसलिए यहाँ पर मेरे गुरु जी कह रहे हैं, जो बद्ध जीव है अपना चेष्टा से गुरु का जो गुरुत्व है, गुरु श्रेष्ठ है, गुरु भोजन है, जो भारी कहते बद्ध जीव गुरु को गुरुत्व को समझ नहीं सकता, वो जी गुरु को पहचान नहीं सकता है, बद्ध जीव है पहचान नहीं सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रश्न यहाँ आता है, फिर जीवन में हम सदगुरु मिलेंगे कैसे है? तो इसका उपाय तीसरा नंबर उपदेश में गुरु जी कहते हैं, फिर जीवन में हम सदगुरु कैसे मिलेंगे, तो उसको रास्ता किया है, कहते भक्ति उन्मुख सुकृति जन्म जन्मांतर धरिया संचित है ले कौन ना कौन जन्मे श्री कृष्ण कृपाए, श्री कृष्ण भक्त गुरु साक्षात्कार घटे एवं सही कृष्ण भक्त श्री गुरुदेवे कृपाए ताहार श्री मुखे हरि कथा श्रवण करते करते हृदय भक्तिर उद्रेक अनुभव करें एवं सूर्यर आलोके जेमन सूर्य दर्शन है सही रूप साधु कृपा लोक ही साधुर स्वरूप पूजित पारे एवं साधुर पदास रहे हरि भजने उत्कटा लालस जागे। आप देखो गुरु जी ये कह रहे हैं, अभी सदगुरु हमें मिलेगा कैसे, सदगुरु मिलने का एक उपाय है, हमें भक्ति उन्मुख सुकृति हमारी होनी चाहिए, भक्ति उन्मुख हमें सुकृति होनी चाहिए। देखो सुकृति तो बहुत तरह का है, लेकिन वो सुकृति भक्ति उन्मुख होनी चाहिए। बोले भक्ति उन्मुख सुकृति कैसे होगी, बोले जान और अनजान में, जान और अनजान में अगर कभी हमें हरि गुरु वैष्णव अगर ये तीनों को उद्देश्य में अगर हमने कोई कुछ किया हुआ होगा, जैसे आप लोग तो ऑलरेडी सदगुरु आपको मिला है, सदगुरु मिला है, उसको पहले हमें कुछ ना किसी तरह से हमने कहीं अनजान में साधु सेवा किया होंगे, तुलसी परिक्रमा किए होंगे, कहीं भगवत प्रसाद पाए होंगे, कहीं हमने हरि कथा सुनी होगी, हैं हरि कथा हमने सुनी होगी, इसलिए विष्णु और वैष्णव है, क्योंकि अगर ये चीज तो विष्णु और वैष्णव अगर इनके उद्देश्य में अगर जान और अनजान में अगर हमने कोई कर्म किया होगा उसको द्वारा ये भक्ति उन्मुख सुकृति होता है, ये होनी चाहिए विष्णु और वैष्णव उद्देश्य में, नहीं तो नहीं होगा।
जैसे भागवत में आता है ना, एक समय कृष्ण का जो बच्चे लोग हाँ कृष्ण का बच्चे लोग खेल रहे थे, ध्यान देकर सुनो, कृष्ण का बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हठात देखा एक कुएं में को अंदर में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ, और इतना बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ उसको अंदर में वो टस बस नहीं हो पा रहा था, बड़ा कष्ट पा रहा था। कृष्ण का बच्चों ने कोशिश की उसको निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाए, और पिताजी को पास में गए, कृष्ण को पास, बोले पिताजी पिताजी जल्दी जल्दी आओ। बोले क्या बात है? बोले एक बहुत बड़ा गिरगिट ये कुएं में फंसा हुआ, वो बड़ा कष्ट पा रहा है। कृष्ण तो सब जानते हैं, कृष्ण आए, उनने चरण स्पर्श करते ही बड़ा सुंदर उन्होंने एक दिव्य उन्होंने रूप धारण किया, दिव्य रूप धारण किया। जब धारण किया अभी कृष्ण का बच्चे लोगों तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये क्या, ये गिरगिट बना हुआ था इतना बड़ा सुंदर देवता जैसे है? कृष्ण जानबूझ करके प्रश्न किया है, बोले आप कौन हो? बोले आप तो भगवान सब जानते हो, आप सुने होंगे सत्य युग में, ये द्वापर का अंतिम है, बोले सत्य युग में आप लोग सुने होंगे एक नृग नाम के एक राजा हुए। बोले हाँ, ये तो बहुत बड़ा दानी था, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन इनकी दान को कोई नहीं गिन सकते। इतने उन्होंने गैया ब्राह्मणों का दान दी, जिनके सींग सोने में, खुरा उन्होंने चांदी में, सर को पीठ के ऊपर में मखमल कपड़े को ओढ़ करके। बोले ये दुर्दशा फिर क्यों हुई? देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो, गुरुदेव ना ये चीज को अच्छे तरह से बोलते थे, गुरुदेव समझाया करते थे। बोले देखो, बोले तुमने तो इतना पुण्य कर्म किया, फिर गिरगिट क्यों बना? बोले भूल से किया हुआ, मैंने जो गैया को संकल्प करके दान दिया एक ब्राह्मण को, गैया फिर भागते हुए आया और सब गैया में मिल गया, मैंने अनजान में फिर संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब पहले जिसको दिया वो ढूंढते ढूंढते आ रहा था, अभी जिसको दिया वो लेकर के जा रहा था, बीच में मिलन हो गया। बोले ये मेरी गैया, बोले मेरी गैया, दोनों में लड़ाई हुई। बोले राजा ने मेरे को कल दिया, बोले राजा मेरे को आज दिया है। अभी तेरे मेरे करते करते लड़ते लड़ते आए, राजा तो कांप उठा, क्योंकि जिस गैया को एक बार आप संकल्प करके दे चुके, दूसरे बार वो गैया को संकल्प करके देने का अधिकार नहीं, वो तो समझ गए मेरी गलती हो गई, माफी मांगे। बोले इसका विनिमय में 10 गैया ले लो। बोले नहीं। बोले 100, बोले नहीं 1000, बोले नहीं 1,00,000, बोले नहीं, बोले करोड़, बोले नहीं, हमें तो केवल यही गैया ही चाहिए। अभी दोनों बात में अड़ गए और लास्ट में बोले, बोले ओ तुम गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा। अब मृत्यु को बाद में जब महाराज के पास में ले गए, चित्रगुप्त कापी खोले, बोले देखो तुम्हारी इतना पुण्य है, अक्षय स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बीच में एक गड़बड़ी भी हुई है, तुमने ऐसे ऐसे गैया को ऐसे किया है। पहले बताओ पुण्य लोगे ना पाप लोगे? बोले जब पाप थोड़ी सी उसको मैं ले लेता हूँ, हाँ जब पाप थोड़ी सी मैं इसको ले लेता हूँ, फिर तो उन्होंने गिरगिट बन करके पड़े गिरे। ये कब कब आ गई सत्य युग में? अरे ये कब है? ये द्वापर का अंतिम में, मतलब कितने लाख साल तक वो गिरगिट बन कर रहा। तब गुरुदेव कहते थे फिर भैया उसको कृष्ण दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो पुण्य कर्म करने से आपको कृष्ण दर्शन नहीं होगा, कृष्ण चरण स्पर्श नहीं होगा। पुण्य करने से स्वर्ग जा सकते हो, मोह जन तप सत्य लोक तक जा सकते हो, लेकिन कृष्ण दर्शन तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी कैसे? तो वहां श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इनकी स्वभाव में था दान करना, स्वभाव में था दान करो, लेकिन एक बार किया हुआ सचमुच से कोई एक शुद्ध वैष्णव इनके घर में आए, तो एक वैष्णव के घर में बैठाया, उनका भोजन करवाया। बोले बाबा आपको कुछ चाहिए? बोले हाँ, मेरे मन में इच्छा भागवत पढ़ने का। उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो उन्होंने पूरा ताल पत्ते में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पूरा उन्होंने लिखवाया, लिखवा करके उन्होंने एक भागवत ग्रंथ केवल एक साधु को दिया, और रोज ये भागवत ग्रंथ को पढ़ते थे। रोज भागवत कौन है? कृष्ण स्वरूप है, भागवत नहीं, उन्होंने कृष्ण को दिया। देखो एक शुद्ध साधु का एक दिन सेवा करना और केवल एक भागवत ग्रंथ दान करने का फल क्या मिला? साक्षात कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन और कृष्ण का चरण स्पर्श,
उनको संसार से बंधन से मुक्ति मिली, लेकिन इतना जो ब्राह्मण की उन्होंने सेवा की, इसका क्या फल मिला? गिरगिट बने। क्या बने? ये गिरगिट बने। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब है ये ब्राह्मण लोग कोई साधु नहीं थे, ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे, ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे। अगर साधु ब्राह्मण होते ना, इनकी दर्द को समझते। ये भूल से ही हुई है, ये भूल से हुई, जानबूझकर नहीं हुई। वो साधु होते तो ये चीज समझते। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े दयालु। लेकिन वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इसलिए उनकी सेवा करने पर भी उनको गिरगिट बनना। इसलिए कहते साधु सावधान, जब कोई चीज आप दान करते हो, सोच करके दान करो। आप किसको दान कर रहे हो? आप किसको दान कर रहे हो? अगर एक व्यक्ति को एक रुपया दे दिया, एक संत कथा सुना रहे थे, एक समय कुछ साधु नाव में बैठ कर जा रहे थे, उसमें एक सेठ था, ध्यान देकर सुनो, एक सेठ था। उन्होंने क्या किया? सब साधुओं को एक एक रुपया दिया। साधु ने एक एक रुपया को क्या किया? ठाकुर के लिए उसमें एक रुपया बहुत कीमत है, ठाकुर जी के लिए फल मूल धूप दीप नैवेद्य खरीद किया। लेकिन उसने एक रुपया देते समय वो जो केबट था ना, जो नाव चला रहा था, जब सबको एक रुपया दिया, बोले भैया इसको भी एक रुपया दे दो, उसने उससे भी एक रुपया दिया। लेकिन उसने क्या किया? जो मछली पकड़ते है ना, जो एस जैसे कांटा होता है, उसने एक रुपया देकर कांटा खरीद किया, और उसमें कितने मछली को मारा, वो कांटा में कितने मछली को मारा, बताओ ये पाप फिर कौन भोग करेगा? ये फिर उसको भोग कौन करेगा? सेठ भोग करेगा। इसलिए गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे। एक समय क्या हुआ, हमारे जो गुरुदेव है ना, वो एकदम सच बात बोल देते थे। मैंने एक चीज देखा है, गुरुदेव कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। गुरु जी के मैंने देखा, कोई चीज में कंप्रोमाइज नहीं गुरु जी करते थे। एक समय वृंदावन परिक्रमा मार्ग में एक व्यक्ति ने जो आंखों का हॉस्पिटल खोला, परिक्रमा मार्ग आंखों की हॉस्पिटल, यहाँ पर अपरसन होएगा, तो गुरुदेव को ही बुलाया था। ये सब चीज सुन करके ना मैं तो कांप उठा। बोले गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? देखो गुरुदेव ने क्या बोले, बोले देखो अच्छी बात है, आप आंखों के लिए हॉस्पिटल खोले हो, लोगों का ऑपरेशन होगा, और कैसे? बोले फ्री ऑपरेशन हम करवाएंगे। बोले अगर कोई भक्त अगर आंख में नहीं देख पा रहा है, अगर उसकी आंखों का ऑपरेशन कराओगे तो क्या होगा? वो किसको देखेगा? ठाकुर जी को दर्शन करेगा, आंखों में ठाकुर जी का दर्शन करेगा। लेकिन जो विषयी लोग है, अगर उनका आंखों को सही कर दो, क्या देखेगा? उल्टा पुलटा फिल्म देखेगा, उल्टा पुलटा फिल्म देखेगा, गंदी गंदी चीज देखेगा। और बताओ वो जो गंदी आंख नहीं था बल्कि अच्छा ही था, भजन करता था, गंदी चीज दिखता नहीं था। जब उसको आग तुमने अपरसन करोगे, जब वो आंखों से उल्टा पुलटा पिक्चर देखेगा, उसका फल कौन लेगा? गुरुदेव ना सीधा ये बात को बोल दिया। वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसका मुंह सूख गया, उसका गुरुदेव तो सही बोला है, क्योंकि वैष्णव लोग दयालु, गुरुदेव तो सही बोले। लेकिन वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल खोल रहा था ना, उसका मुंह तो एकदम नीचे लटक गया। बोले हे भगवान, गुरुदेव कैसे? गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव का मुख्य अतिथि रूप में गुरुदेव, उसमें गुरुदेव का बड़ा नाम था, मथुरा वृंदावन में गुरुदेव का बड़ा नाम था। मथुरा में बड़े से बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं हो, गृह प्रवेश क्यों नहीं हो, बड़े से बड़े क्यों नहीं हो, गुरुदेव का इतना नाम था। गौड़ीय मठ का बाबा को बुलाओ, गौड़ीय मठ का बाबा को बुलाओ, भक्तिवेदा श्री नारायण गोस्वामी महाराज को बुलाओ। गुरु जी को साथ में मैंने बहुत बार किया है, गुरु जी का इतना नाम था, दिन दिन में इतने प्रभाव था, दिन दिन में दो दो तीन तीन प्रोग्राम मथुरा में होते थे, दो दो तीन तीन प्रोग्राम है गुरुदेव का भी, इधर किसी महाराज को, उधर किसी महाराज को, इधर तीन तरफ में भेज देते थे। और गुरुदेव स्वयं, मैंने देखा रात 11-12 बजे तक गुरुदेव प्रोग्राम करते थे, और चल करके नहीं, इसमें रिक्शा में नहीं, गुरुदेव चलते थे, चल करके चलते थे आते समय ना, फिर 11-12 बजे कीर्तन करते करते, मृदंग कीर्तन करते करते, ब्रह्मचारी वहां पर कीर्तन करते करते आते थे गुरुदेव 11-12 बजे तक। उन्होंने गुरुदेव वहां प्रोग्राम करते थे, इतने गुरुदेव का नाम हो गया था मथुरा में, आप सोच नहीं सकते। मथुरा मठ में जो सबसे पहले आया वो नाट मंदिर था, फिर उसको उन्होंने तोड़ करके सामने बनाया, और इतने बढ़ना शुरू हो गया था, पीछे जो घर था ना वो सोच रहे थे उसको भी तोड़ करके उसमें को भी एक हाल घर बना देंगे, इतने लोग बढ़ते जा रहे थे। फिर विदेशी लोग जब आ गए ना, फिर गुरुदेव जो विदेश जाना शुरू कर दिया, फिर तो वहां का प्रचार धीरे धीरे
उसको पीछे कोई धीरे धीरे सही देखा नहीं, धीरे धीरे नहीं तो इतना गुरु जी की वहां नाम था इतना। हाँ यहाँ पर मेरे गुरु जी कहते हैं देखो कहते जब तक तुम्हारी भक्ति उन्मुख सुकृत नहीं होना, भक्ति उन्मुख सुकृत कैसे होगा? उन्होंने जो केवल एक साधु का सेवा किया, शुद्ध साधु को भोजन करवाया और उन्होंने भागवत ग्रंथ प्रदान की, उन्होंने भागवत ग्रंथ पढ़े, बस उसका फल स्वरूप क्या हुआ, एक दिन उनको कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन। इसलिए कहते दान देते समय अगर हमारी पैसा सही सही पात्र में, जो गुरु वैष्णव की सेवा में हमारे पैसा को अगर कोई लगाएगा ना, उसको द्वारा क्या होगा, भक्ति उन्मुखी सुकृति बढ़ेगी, भक्ति उन्मुखी सुकृति। इसलिए दान देते समय है सही सही जगह पर हमारी दान जानी चाहिए, जो हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगे और लगने पर हमारी सुकृति बढ़े और वो सुकृति से क्या होगा, फिर गुरु जी कृष्ण कृपा से जीवन में हमें सदगुरु दर्शन मिलेगा। जब हमें सदगुरु के दर्शन मिल जाए ना, हनुमान विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीरी मोए अनुग्रह किनी तो मई दरस ठगी। लगता है विभीषण कहता है, लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई कृपा हो गई है, जो रघुबीरी मोए अनुग्रह किनी, नहीं तो मैं कहां सोच सकता था, चारी तरफ में नरभक्षी राक्षस है, चारी तरफ भरे हुए और उसको बीच में भगवान के सबसे प्यारे हनुमान जी, जैसे दांत को बीच में जैसे जीव रहता है ना, उसी तरह कैसे चारी तरफ में है, मैं ऐसे दांत का बीच में जीव जैसे रहता है, ऐसे में रह रहा हूँ चारी तरफ राखे से, फिर उसको बीच में फिर भगवान के सबसे प्यारे हनुमान जी कभी मिले, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए मेरे को लगता है भगवान राम मेरे को जल्दी से जल्दी प्रभु राम की दर्शन होने वाले। देखो इसलिए अभी विभीषण ने बोल दिया, देखो हनुमान जी माता सीता अशोक वाटिका में मिलेगी, माता सीता कहाँ मिलेगी, अशोक वाटिका में। विभीषण ने कहा देख हनुमान मैं तेरे लिए एक काम करता, तू भी मेरे लिए एक काम कर देना। बोले बोलो। बोले देखो तेरे पास में बाप और मेरे पास में माँ, तेरे पास में पिताजी मेरे पास में माता जी, लेकिन जब तक पिता माता के मिलन नहीं होना तब तक पूरी काम नहीं होता है। इसलिए मैं एक काम कर देता हूँ, मैं माँ जी से माता जी से तेरे को मिला दूंगा, मेरे पास में माँ लेकिन तेरे पास में बाप है पिताजी, इसलिए तू मेरे को पिताजी से मिला देना। बोले कोई बात नहीं, मेरे को माँ से मिला दो, मैं पिताजी से मिला दूंगा। उन्होंने माँ से काम कर दिया, माँ से मिला दिया। बोले अभी तेरा काम रह गया पिताजी से मिलाना। जब विभीषण ने उन्होंने रावण को समझाने के लिए गया, हम पुलस्त्य ऋषि के वंशधर है, पराई स्त्रियों को अपहरण करना हमारा धर्म नहीं, ये स्वयं जगदम्बा जगत जननी है, उसको जाओ वापस दे जाओ। रावण उसको लात मार करके भगा दिया और सीधा उसने आए किसको पास में, प्रभु राम की शरण में। वहां के दूत ने पूछा भैया तू कौन है, तू कौन हो? बोले मैं रावण का छोटे भैया, सुनते ही है ना। बोले भैया कल सवेरे युद्ध होने वाले, उसका छोटा भाई। भैया राक्षसों को समझना बड़ा कठिन है, उनको ना चारी तरफ में रस्सी में बांध बूंद करके लाए राम के पास। जब लाए इतने में देखा हनुमान जी वहां बैठा हुआ, हनुमान जी को देख कर उसे छाती तो चौड़ा हो गया, मेरा कोई पहचान व्यक्ति बैठा हुआ। इतने में हनुमान जी ने कहा तुम कैसे हो? विभीषण बोले एकदम बात मत करो, एकदम बात मत करो। बोले क्यों? बोले मैंने तेरे को माँ से मिलाया था, अब तूने कहा था बाप से मिलाओगे, देखो मेरे को बात बंद करके लाए हैं, एकदम बात नहीं करना। तब विभीषण ने बोला, हनुमान ने बोला बताओ तुमने परिचय क्या दिया था? बोले मैंने परिचय दिया था मैं रावण के छोटे भैया। बोले इसलिए तो तेरे को बांध करके लाए, इसलिए तेरे को बांध करके लाए हैं, ये तो शत्रु है छोटे भाई को तो बांध। अगर ये परिचय देता हनुमान का मैं मित्र हूं, हनुमान जी का मैं मित्र हूं, तेरे को तो स्वागत करके लाते, तो पहले ही गलती कर दिया। इसका मतलब है अगर हम अपना परिचय किया दे वैष्णव का दासों का दासों का दास, हम वैष्णव का दासों का दासों का दास अगर परिचय देना फिर तो ठाकुर के पास में अपने आप पहुंच जाएंगे, अगर उल्टा पुल्टा परिचय देना फिर गड़बड़ी। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं भैया भक्ति उन्मुख सुकृति की जरूरत है, इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा करने पर सुकृति उदय होता है, उसी सुकृति से भगवत कृपा से फिर हमें
सदगुरु की प्राप्ति होती है। पर सदगुरु प्राप्त अगर सचमुच से हो जाए भगवत प्राप्ति में और कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन उसको करने के लिए पहले हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति की जरूरत है। अभी हमारे संजय प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। ऐसे संजय प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा, इधर सुना। हाँ, कुछ कुछ भक्त लोग मेरे को पूछ रहे थे जयपुर जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए पूछ रहे थे। इसलिए मैं तो सोच रहा था जाऊंगा नहीं, पता नहीं हम जाएंगे। इसलिए जयपुर कोई जाना चाहते हो? कौन कौन जाना चाहते हैं जयपुर? देखो हम लोग जाएंगे वहां पर श्री, जहां पर बलदेव विद्याभूषण प्रभु के साथ में उनके शास्त्रार्थ होगी है रामानंद संप्रदाय, वहां पर जहां पर गंगा प्रण, वहां भी जाएंगे। गोविंद देव भी दर्शन करेंगे, वहां पर गोपीनाथ भी दर्शन करेंगे। और इसी महीना की जो अधिष्ठात्री देवता राधा दामोदर वहीं पर है, वह राधा दामोदर भी और राधा बिनोद जिसको श्री लोकनाथ दास गोस्वामी पानी से अपने आप जो प्रकट हुए, बोले क्या, बोले वो बात करते थे, हैं क्या बात करते थे, बोले हमें भूख लग रही है तू खाना खिलाओ, खाना खिलाए, बोले मेरे लिए थोड़ा सजिया सजा दो, फूल की सजिया सजा दी, बोले थोड़ा हवा करो, हवा कर, बोले प्यार दबाव नींद नहीं आ रही, वो ठाकुर जी बात करते थे। वह राधा बिना भी दर्शन करेंगे। और श्री कवि जयदेव गोस्वामी का राधा माधव है, कवि जयदेव गोस्वामी की जिसने स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, जिन्होंने ये श्लोक को लिखे हैं, कैसे श्याम सुंदर राधा जी के चरण में सर झुका रहे उनके राधा माधव, ये सब दर्शन है। हाँ, ये सब दर्शन है। जो जाना चाहते हो आप लोग एक काम करना, कोई है अनिरुद्ध को, ये अनिरुद्ध प्रभु यहाँ पर है, या इनको अब अपना नाम दे, मेरे को पता चले जाए कितने भक्त जाना चाहते हो, उसी अनुरूप में गाड़ी करूंगा, ठीक है। इसलिए अगर हम जाएंगे, कल तो नंद गांव है और परसों है, ये पास में, ये पास पास में ही दर्शन है। फिर तरसु, तरसु कितना तारीख हो रहा है? 6 तारीख। इसलिए 6 तारीख को हम लोग, 6 तारीख को हम जाएंगे। इसलिए अपना अपना नाम, ये इनको, इनको प्रभु को अपना अपना नाम दे देना और पैसा दे देना, वो 700 रुपया करके, 700 रुपया है एक व्यक्ति का पीछे 700 रुपया लगेगा, कि तो रास्ता में खाने पीने के लिए पैसा, फिर बस बस के लिए मतलब 700 रुपया दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरों को भी बता देना, पहचानता हो तो जाना चाहता, दूसरों को भी बता देना। हाँ, आप लोग दूसरों को पूछ लेना, और कोई अगर जाना चाहते हैं। लॉर्ड शिव महाराज जी मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे क्या? हाँ, मदन मोहन जी के करौली, करौली, करौली प्रभु जी नहीं, करौली फिर तो एक दिन में नहीं कर सकते, फिर एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, 2 दिन चाहिए उसके लिए, एक दिन रुकना चाहिए। लेकिन हम लोग एक दिन में जाएंगे और उसी दिन में ही हम वापस आ जाएंगे। सेवन डेज बरसाना परिक्रमा,